कल जो रिमोट आते हैं ना, ऐसा वहाँ पर ऐसे जैक क्यों देता है? जैक इसलिए देता है कि मानो कि आपने टीवी देख रही हो, आप अगर किसी को बिना डिस्टर्ब के आप टीवी भी देख सकते हो, क्योंकि ना वहाँ पर आप ईयरफोन यूज करके ना आप बिना किसी को डिस्टर्ब करके टीवी देख सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे भी आजकल जो रिमोट होता है ना, वो वैसे भी टीवी के साथ ब्लूटूथ में कनेक्ट रहता है। नंबर 10, जब नया नया जो धरती बनी थी ना, उस टाइम के अगर हम पेड़ की बात करें तो वो बहुत लंबे लंबे होते थे। कंपैरिजन आज के पेड़ से बहुत कहीं गुना बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। अरे तुम देख सकते हो ये पेड़ कितना बड़ा है, यहाँ पर एक जो इंसान छुपा हुआ है देखो कितना बड़ा है, वो उस टाइम का पेड़ है। आजकल का पेड़ ना बहुत, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, वैसे वैसे पेड़ वैसे छोटा छोटा होता गया। ये उस टाइम का एक नॉर्मल पेड़ है, वो इतना लंबा होता था। नेचर की कमाल का चीज़ है। अरे इस पेड़ को साइंटिस्ट ने बोलते थे एंशिएंट जायंट। नंबर 9, जापान में एक चॉकलेट मिलता है यार, उस चॉकलेट को प्लानेटरी चॉकलेट कहते हैं। और ये तुम देख सकते हो जो प्लानेट की तरह चॉकलेट को बनाया गया है, जैसे तुम देखो जैसे कोई प्लानेट ऐसे बनाया गया है इस चॉकलेट को। नंबर 8, ये जो अमेजन कंपनी है ना, ये कितना बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है आपको तो शायद पता ही है। ये जो तुम फोटो देख रहे हो, ये ना पहले का फोटो है, जो पहली जो स्टार्ट हुआ था अमेजन ना, तब उस टाइम का फोटो। और यहाँ पर जब बेजोस कैसे बैठे हैं देखो। अरे ये ना देखा, ये तो 37 साल पहले का फोटो है। ये देखो ये आज का फोटो है जो अमेजन कंपनी की। और ये देख सकते हो कैसे पौधों से कैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया है। क्या क्यों इसके ऐसे बनाया गया कि वहाँ पर की जो वातावरण है वो हमेशा अच्छे है, इसलिए ऐसे बनाया गया है। नंबर 7, ये जो तुम देख रहे हो इसे कहते हैं जापानीज जायंट हॉर्नेट। और ये ना दुनिया के सबसे बड़े हॉर्नेट में से एक है देखा जाए तो। मानो कि एक हॉर्नेट आई और आपको हाथ पर काट दिया, आपके हाथ पर काट दिया, और वो वहाँ पर काटते हैं ना जहाँ पर काटते हैं ना वहाँ पर फ्रीडमस नाम का एक एसिड छोड़ देता है, मतलब एक केमिकल टाइप का वो छोड़ देता है, वो स्मेल होता है। अब वो हमें तो नहीं पता चलती है, जो हॉर्नेट होते हैं ना उन्हें ही पता चलते हैं, और वो सारे को सिग्नल मिल जाती है और वो आते हैं और आपका बैट बजा देते हैं। और यही होता है इसकी खास बात हॉर्नेट की। 6, ये जो तुम देख रहे हो ये जो पेड़ पर जैसे कि आई की तरह दिख रहा है, एक आँखी की तरह, इससे कई सारी जगह पर इसे दिखने को मिलता है। इससे जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं एस्पेन आई। और ये इसलिए होता है मानो कि एक पेड़ की जो ब्रांच होते हैं ना, वो अपने आप जो गिरी जाते हैं मतलब टूट जाते हैं, तब ये आँख की तरफ बनी रहती है, वहाँ पर यह आँखें की तरफ बना रहता है, और इसे कहते हैं एस्पेन आई। नेचर भी क्या कमाल की है देखा जाए तो। 5, आप लोगों ने तो शहर देखा होगा, वो अलग होता है, ये एक शहर है। शहर ज़्यादातर ऐसा होता है, तुम देख रहे हो ना ये बिल्डिंग एक शहर है, यहाँ पर ना देखा जाए तो 217 लोग रहते हैं, और ये ना 14 मंजिला तक है। और यहाँ पर ना ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग के अंदर ही सब कुछ है, हॉस्पिटल है, चर्च है, स्कूल है, बहुत सारी यहाँ पर मौजूद है इस बिल्डिंग में। और ये एक शहर है मतलब एक सिटी है ये देखा जाए तो। और इसका नाम है व्हाइट एलेक्सा, इस बिल्डिंग का नाम मतलब इस शहर का नाम। नंबर 4, एक यूनिक सा ऑक्टोपस होता है जिसे कहते हैं कोकोनट ऑक्टोपस। अरे ये ना कोकोनट के अंदर ही रहता है, बाहर जाता है खाना खाता है और आती है और कोकोनट के अंदर ही रह जाती है। और इसके हम अगर साइंटिफिक नेम बोले तो ये पर तुम देख सकते हो एम्फी ऑक्टोपस मर्जिनाटोस, इसका साइंटिफिक नेम है, ये तुम देख सकते हो। नंबर 3, अपने तो इससे बहुत सुने होंगे, बहुत कहीं पर पड़ी भी होंगे, जो ऊँट होता है ना ये बहुत दिन तो बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जिंदा भी रह सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक चीज़ है जो जिंदा रह सकती है, ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम है कंगारू रैट। अरे ये ना बिना पानी के, हम बात करें तो बिना पानी के ना कम से कम देखा जाए तो 10 साल तक ही जिंदा रह सकती है, वो भी बिना पानी के इतना दिन तक वो सर्वाइव कर सकती है, दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 2, एक एप्पल ट्री है जो कि बहुत छोटा होता है फिर भी एप्पल देते हैं। ये जो देख रहे हो ये एप्पल ट्री है, इसका नाम है बोनसाई एप्पल ट्री। इतना छोटकू है मतलब ये इतना छोटा है फिर भी इतना सारा एप्पल दे रहा है, तुम देख सकते हो। एक एप्पल ट्री होता है, कभी कभी जो एप्पल ट्री होता है वो इतना बड़ा होता है, वो कभी भी एप्पल इतना नहीं होता है, ये छोटा है फिर भी यहाँ पर बहुत सारे एप्पल तुम देख सकते हो, दैट्स वेरी अमेजिंग। नंबर 1, ये जो हमारी धरती है यहाँ पर ऐसे 2 जानवर रहते हैं जो कि वो बिना पीछे मुड़ के भी वो पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, वो मतलब पीछे कौन है वो देख सकते हैं, वो होते हैं पैरट एंड रैबिट। ये ना पीछे बिना मुड़ के भी वो पीछे देख सकते हैं, इसका जो आईबल होता है ना वो थोड़ा पीछे करके वो देख सकते हैं पीछे में कौन आ रहा है, ये सब ये वेरी अमेजिंग बात है ना देखा जाए तो। जो बर्ड होते हैं ना वहाँ पर ना यूनिक हेमिक फेरिक नाम का एक पाया जाता है एबिलिटी, और वो ना ऐसे होता है कि जो अधे सोए होते हैं ना अधे जागे होते हैं, उसकी दिमाग भी और वो भी, मतलब वो ये सोचते हैं कि कोई कहीं खतरा तो नहीं है हमारे आसपास, मतलब कोई अटक तो ना हो जाए हमारे ऊपर, मतलब कोई भी जानवर
ऐसे सोचते रहते हैं। इसलिए ना इसे कहा जाता है यूनिहामिक फैरिक नाम का एबिलिटी उसके पास होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।